तो देखिए, आज हमने पालक की सब्जी जो बनाई है बिल्कुल नए तरीके से बनाई है। ये देखिए, बिल्कुल डिलीशियस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो पालक ले लिया है। पालक की सब्जी तो आप लोगों ने बहुत खाई होगी, कभी पालक कोफ्ता, पालक पनीर, पालक का साग, लेकिन आज मैं अलग तरीके से बनाने जा रही हूँ, जो खाने में भी बहुत स्वाद है और बनने में भी बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो पालक ले ली है, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था पहले 2-3 बार, और फिर उसको बारीक काट लिया था। अब मैं इसके साथ ले रही हूँ हरी मूंग छिलका, जो इस सब्जी के साथ मैं बनाऊंगी, और ये इसके साथ बनने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। और इसको मैंने गैस के ऊपर एक कुकर रख दी है, कुकर के अंदर मैं जो धुली हुई पालक है ना, कटी हुई, उसको डाल रही हूँ। ये सब्जी बिल्कुल फाइबर, प्रोटीन इसमें मिलेगा। ये देखिए, मैंने इसके अंदर पालक डाल दी है। अब मैं इसके अंदर हरी मूंग छिलका जो दाल ली है ना, उसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है, और उसको इस कुकर में डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ आधा चम्मच, और नमक मैं थोड़ा कम ही डालूंगी अभी, क्योंकि मैं अभी जब इसका तड़का लगाऊंगी तब भी डालना होगा मुझको। और इसको जो है, क्योंकि पालक के अंदर नमक ऑलरेडी होता है, अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। जी, 1 गिलास पूरा पानी डाल दूंगी। ये देखिए, अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से एक बार। ये देखो, इस तरह से ये सब्जी तो सच में बहुत स्वाद बनने वाली है। जब मैंने बनाई थी तो बहुत अच्छी लगी सबको। अब मैंने इसको कुकर का ढक्कन लगा दिया है, और मैं इसमें 3 से 4 विसल दिलवाऊंगी। ये देखिए, मैंने कर दिया है इसको। अब मैं इधर विसल आएगी तब तक मैं इसको लिए तड़के के लिए सामान तैयार कर रही हूँ। 2 टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ, 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, थोड़ी सी अदरक ली है, 3 फाक लहसुन की ली है मैंने, और 3 हरी मिर्ची ली है मैंने। ये देखिए, अब मेरी इधर 3 विसल आ चुकी हैं कुकर में। ये देखिए, अब मैंने इसको, ये देखो, अब मेरी दाल और पालक बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है, अच्छे से गल गई है ये। ये देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी। अब मैं इसको ब्लेंडर की सहायता से मैश कर लूंगी। ये देखो, मिक्स बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये बिल्कुल मैंने मैश कर दी। ये देखो सब्जी की रंगत, देखो आप, ये सब्जी फुल ऑफ प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम मिलेगा इसमें। अब मैंने इधर टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च काट ली है। अब मैं गैस पर कढ़ाई रख रही हूँ। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया। तेल यहाँ पे मैं सरसों का ले रही हूँ, कच्ची घनी का, आप रिफाइंड भी ले सकते हो। अब मैं सबसे पहले इसमें जो मैंने बारीक बारीक कट किया हुआ है लहसुन, उसको डाल रही हूँ। लहसुन जैसे ही मेरा अच्छे से पक जाएगा, तो मैं इसके अंदर ये प्याज जो मैंने बारीक काट कर रखा हुआ है उसको डाल दूंगी, और इसको थोड़ा सा सुनहरी होने तक भूनूंगी। अब ये भूनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसके, अब जब प्याज सुनहरी रंग के भून चुके हैं, तो मैं इसके अंदर कटी हुई अदरक डाल रही हूँ। यहाँ आप अदरक को पीस के भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर बारीक चॉप करके डाला है, क्योंकि इसमें जो तड़के में जो चॉप की हुई अदरक ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं इसको भी भून लूँगी। अब जब ये भून चुका है, ये देखिए इस तरह से, अब मैं इसके अंदर जो मैंने बारीक कटे हुए टमाटर रखे हुए थे, अब वो भी मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर इसको डालकर अच्छे से पकाऊंगी, और साथ में इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल दूंगी, और इन सबको अच्छे से भूनूंगी। साथ में मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से पक जाए। मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगी 1 आधी चम्मच, क्योंकि मैंने पहले भी नमक डाल दिया है, तो इसलिए नमक थोड़ा हिसाब से ही डालूंगी। और नमक डालने के बाद जो टमाटर है वो अच्छे से पक जाएंगे। अब यहाँ पर मेरा जो मसाला है ना सब्जी का, वो बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। ये देखो इस तरह से। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ, और 1/2 चम्मच मैंने लाल कुटी मिर्च डाली है, क्योंकि यहाँ पर मैंने हरी मिर्च डाल दी है। ये देखो, अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच किचन किंग मसाला डाल रही हूँ। अब इन सबको, मसालों को डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ।
ये मैंने मिक्स कर दिया और तड़का बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। ये देखो कढ़ाई से जो मसाला है ना और उससे तेल अलग हो रहा है, ये देखिए मसाले से बिल्कुल अलग हो रहा है तेल। अब मैंने इसके अंदर जो मैंने पालक और दाल पीस के रखी हुई थी वो इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब ये बिल्कुल पक कर तैयार हो चुकी है। ये देखिए मैंने इसके अंदर तड़के के अंदर मसाले के साथ जो पालक है वो बिल्कुल मिक्स करके पका ली है अच्छे से। ये देखो अब मैं इसको एक सर्विंग बाउल में डाल दूंगी। यहाँ पर मैं इसको सर्विंग बाउल में डाल रही हूँ। इसको आप मक्की की रोटी के साथ भी खा सकते हो, पराठे के साथ भी खा सकते हो। और अब मैं इसके जो पालक को अलग से तड़का और लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में अलग से और तेल ले लिया है। अब मैंने उसमें थोड़ा सा तेल ले लिया है। अब मैं उसके अंदर लाल साबुत मिर्च डाल रही हूँ। अब मैं इसको जब ये गर्म हो जाएगी ना, तड़क जाएगी, तो इस गैस को बंद कर दूंगी। ये देखिए ये तड़क हो गई है। अब मैंने गैस को कर दिया ऑफ। अब मैं इसके अंदर आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा लाल कश्मीरी मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स करके अब ये तड़का बनकर तैयार हो चुका है। अब मैंने इस पालक के ऊपर